जैसे रूल नंबर 3 में क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर है और चाल 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है, यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, जबकि दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा में गतिमान है, दिशा एक ही में है। तो इसमें क्या होगा, जो बड़ी वाली चाल है उसमें से माइनस कर देंगे छोटी वाली चाल को, सेम दिशा में रहेंगे तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। देखिए 50 किलोमीटर बड़ा चाल है और 10 किलोमीटर छोटा चाल है। तो फार्मूला होता है हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 400 मीटर, चाल हम लोग निकाल लिए हैं 40 किलोमीटर प्रति हावर, इसको कम करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा कर देंगे। इसे कैसे कर देंगे, 10 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2/18, ये हो जाएगा 36 सेकेंड।